हेलो माय डियर फ्रेंड्स आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वार्म वेलकम है आप लोगों ने अपना सपोर्ट कंटिन्यू सपोर्ट दिया और लगातार आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है थैंक्स आई एम वेरी मच थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स वन हुज़ सब्सक्राइब्ड और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट जितनी भी वीडियोस है वो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए मतलब उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है क्यों देखे जिंदगी को क्यों देखे जिंदगी को किसी की नज़र से हम क्यों देखे जिंदगी को किसी की नज़र से हम साहिब लुद्धियानवी का ये शेर है आज के इस आज के इस माहौल में इस मॉडर्न जमाने में सबसे बड़ी सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे बड़ी बीमारी अगर कुछ है तो वो चिंता है वो टेंशन है वो फिक्र है जो लामहदूद है जिसका कोई लिमिट नहीं है आप उसका एग्ज़ाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं बिल्कुल एक आसान तरीक़े से समझ सकते हैं कि हम उन सब चीज़ों में उन सब चीज़ों में इतना इतना ज़्यादा जा, टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे ऐसे थाउट्स हमारे जहन में आते हैं जो न कभी जो कभी आज तक हुए भी नहीं हैं ज़िंदगी में ऐसे ऐसे थाउट्स ऐसे ऐसे नेगेटिव ख्याल आते हैं जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता रहता रहता भी नहीं है अब एक गांव का एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपके सामने वो कहना चाहेंगे और उससे आप रिलेट करके देखेंगे कि कितना ज़्यादा हम लोगों की जो लाइफ है हम लोग का जो सोचने का पैटर्न है कमोवेश इसी तरह का है एक गांव में एक लड़की जो है वो दूध दूहने के लिए वो दूसरे गांव जाया करती थी और बीच में एक नाला पड़ता था उस पर एक शतीर शतीर मीन्स लॉग लकड़ी का एक एक ये था जस्ट लाइक ए पुल के ब्रिज के टाइप था उस पर उससे वो चढ़कर दूसरे गांव को जाया करती थी और उसका रेगुलर की रूटीन थी वो खुशी खुशी जाया करती थी एक बार जब वो लौट रही थी लौट कर आई दूसरे गांव से दूध दू कर अचानक काफ़ी रोने लगी वो काफ़ी रोने लगी अब तो रोने की अब वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही तो उसके पेरेंट्स उसके और गाँव के जो लोग थे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रही हो अचानक इतना इतने दिनों से तुम जाया करती हो इस शहतीर से क्रॉस करके नाले के उस पार जाया करती हो दूध दू कर वापस लौटती हो कभी आज तक तुम्हारे साथ इस तरह का नहीं था कि आज क्यों रो रही हो क्या रीज़न क्या है तो बहुत देर के बाद उसने कहा कि मैं ये सोच रही हूं कि आज तो मैं इस शहतीर पर से उस तरफ नाले के उस पार आसानी से चली जाती हूं कल जब हमारी शादी हो जाएगी और शादी के बाद जब हमारा बच्चा होगा तो जब हम दूध दूहने के लिए इसी शहतीर से जब हम चलकर आगे जाएंगे तो वो बच्चा भी हमारे पीछे पीछे आएगा और उस नाले को क्रॉस करने के चक्कर में वो बच्चा डूब वो बच्चा का पैर स्लिप करेगा और वो बच्चा उस नाले में डूब जाएगा और डूबकर बह जाएगा और यही सोच के कंटिन्यूस वो रो जा रही है अब इसको कनेक्ट कीजिए आप अपनी लाइफ से क्या इस तरह के थॉट्स हम लोगों के माइंड में भी नहीं चलते बिल्कुल चलते रहते हैं जिसका रियलिटी से वो लड़की जो है अभी कम कल तक खुश थी जब वो प्रेजेंट में जी रही थी जब वो फ्यूचर में चली गई कि हमारे बच्चे होंगे और उस शहतीर पर जब जाएंगे उनका पैर स्लिप करेगा और स्लिप करके वो गिर जाएंगे और गिर कर वह फिर नदी में बह जाएंगे बह के वो उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी क्या इसी तरह के थाट्स हमारे इसमें नहीं आते बिल्कुल भी इसी तरह के थाट हमारे इसमें आते रहते हैं जिसका इन रियलिटी बहुत सारे का तो वो एग्जिस्टेंस भी नहीं होता इस तरह के थाट होते हैं अब ऐसे ऐसे थाट चलते हैं बर्थ में आपने ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया रिजर्वेशन करवा लिया अब एक रिजर्वेशन तो दो महीना पहले आपने ले लिया, अब एक माइंड में कहीं ना कहीं आपके वो चल रहा है कि पता नहीं जब हम स्टेशन पर जाएंगे जब हम स्टेशन पर जाएंगे तो हमारी सीट पर कोई बैठा तो नहीं मिलेगा अगर वो बैठा मिलेगा तो हम उठाएंगे तो वो उठेगा कि नहीं उठेगा ये सब सोचिए कि इस तरह के जो थॉट्स है ये हम लोगों के वीक माइंड का की तरफ इंडिकेशंस है और इस तरफ ये एक बहुत बड़ा एक इसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम हमारे अंदर खड़ी हो गई है कि आप अगर फिजिकली हैंडी हैं कोई बात नहीं है डजेंट मैटर लेकिन अगर मेंटली हैंडी है मेंटली अगर अगर आप वीक हैं तो फिर जिंदगी की जिंदगी आपके लिए बहुत दुशारकुन होने वाली है दुशारकुन इन सेंस के बेवजह के थाउट्स आपके जहन में आते रहेंगे जिसका हकीकत के ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम में हमारा कैसा होगा परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा हम अपने रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा हमारे जहन में एक नेगेटिव थाट चलता रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा हो गया तो कहीं हमारा बिज़नेस फ्लॉप कर गया तो कहीं हम नौकरी से सस्पेंड कर दिए गए तो इस तरह का तो तो भी इस तरह का जो जो जहन में चलता रहता है इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और बिल्कुल हमें आज के लिए कल के लिए नहीं बिल्कुल आज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कल जो परेशानी आएगी अगर वो कल परेशानी आती है रियल में अगर एग्जिस्ट करती है होती है परेशानी तो फिर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड से हम उसका सामना करेंगे बिल्कुल आसानी से हम कर पाएंगे लेकिन जो कल होगा कि नहीं होगा उसको लेकर हम आज अपना बर्बाद करते हैं और कल जब वही सिचुएशन हमारे सामने बिल्कुल अगर राइज होता है तो हम उसको सॉल्व करने के कैपेबल भी नहीं होते चूंकि मेंटली हम हम इतना डेंड हो चुके रहते हैं कि हम इस पोजीशन में होते भी नहीं है एक शिप के एक कैप्टन ने एक बार कहा कि मान लीजिए कि हम समुद्र में हैं और हमारा शिप चप्टान से टकरा गया बिल्कुल टकराने के बाद वो शिप टूट गया और वो धीरे धीरे करके डूबने वाला है हम सब डूब रहे हैं पूरी की पूरी जिंदगी हम लोगों की खत्म हो रही है बताइए कैसा आप लोगों को फील होगा इतने जमाने से अब सफर पर हम लोग समुद्र में जाया करते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कैप्टन ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो एक नाविक उसमें कहता है फर्ज कर लीजिए कि हर बार की तरह से इस बार भी हमारा शिप सही सलामत उस पार हो गया तो ये जिंदगी को इस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी हमें मैक्सिमम थाउट हम लोगों का इन सब चीजों के बीच में होता है बिल्कुल नेगेटिव थाट होता है जिसका दूर दूर से रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता अब आप इन सब चीजों से अपने आप को रिलेट करके देखेंगे कि आपने कितने सा कितने कितना टाइम वेस्ट कितनी एनर्जी वेस्ट किया इन सब चीजों को क्या उन वो जो ख्याल थे कि अगर ऐसा हो गया तो अगर हमने ये काम किया उसका कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा हुआ क्या वो सब कॉन्सिक्वेंसेस हुआ नहीं हुआ ना तो फिर ये क्यों मान के चल रहे हैं क्या आपके साथ बुराई होगा क्यों मान रहे हैं आप में बिल्कुल मान के चलिए कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा अगर कभी कुछ चीज़ बुरी होती भी है तो आप अपने मेंटल कैलिबर से और आलो और माई हेल्प की मदद से उसको भी एक पॉजिटिव उस, उसमें भी एक खुशी ढूंढ लेंगे जिंदगी को जीने का यही एक तरीका है जंगल का राजा शेर है ना क्या शेर को ने कभी आईना या मिरर कभी देखा अपने फिजिक को उसने देखा कभी नहीं उसे पता भी नहीं है उसके वजन से कई कई गुना ज्यादा बड़े जानवर ऊंचे जानवर सब जानवर जंगल में मौजूद हैं लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों कभी आपने सोचा ऐसी इसको उसका क्लियर कट रीजन ये है कि उसका मेंटल एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होता है वह वो, वो अगर हाथी को भी देख रहा है तो वो जान रहा है हम इसे शिकार कर लेंगे ये एटीच्यूड उसके पास है हमारे से ऊंचा अगर जानवर है तो भी हम उसका शिकार आसानी से कर लेंगे ये एटीच्यूड उसके पास रहता है जबकि अपने फिजिक के बारे में उसको इल्म नहीं है लेकिन मेंटली वो इतना स्ट्रांग है ना इतना स्ट्रांग जानवर है डेट्स वाई ही इज द किंग ऑफ जंगल ये एटीच्यूड हम लोगों में अगर आ जाए ना परेशानियाँ क्या जो भी परेशानियाँ होती हैं क्या वो फिजिकल होती हैं कौन से परेशानी होती है कोई भी एक, एक परेशानी आप खुद चीज़ को जितने व्यूवर्स से एनालाइज करके देखिए ये सब मेंटल के हमारे दायन है जो परेशानियाँ आपको मुश्किल लग रही हैं किसी और के लिए कितनी आसान लगती हैं वो कभी बहुत सारा ऐसा काम होता है ना आपका आपका हमारा जो हम लोगों को लिए बहुत मुश्किल है लेकिन किसी और से जब हम करवाते हैं तो बिल्कुल आसानी से चुटकियों में हैंडल कर लेता है आखिर वो कौन से रीज़न है ये मेंटल जो है ना मेंटली स्ट्रांग बनिए दुनिया आपके कदमों में होगी ये मेरा वादा है आप स्ट्रांग मेंटली इनफ रहिए हैव इनफ पेशेंस एंड मेंटली स्ट्रांग यू विल बी द विनर आई एम द विनर इस तरह की ये एटीट्यूड ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलिए थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी होप की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जैसा रेगुलर आप करते चले आए हैं करते चले आए हैं अगेन थैंक्स फॉर बींग विथ मी हैव एन नाइस डे